नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ वनराज सुनील कुशवाहा। और दोस्तों, मुझे बड़ा दुख हो रहा है ये कहते हुए कि जो एमपी कांस्टेबल की जो वैकेंसी थी उसकी फॉर्म भर रहे थे, 10 तारीख लास्ट डेट थी, और पिछले 6 दिन से, मतलब 4 तारीख से और 10 तारीख तक 7 दिन लगातार सर्वर बिल्कुल डाउन गया। बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म नहीं भर पाए, लेकिन दुख की बात यह है कि फॉर्म की डेट नहीं बढ़ाई गई। मेरे खुद ही परिचित में 15 से 50 लोग ऐसे हैं, 50 के समथिंग, जो फॉर्म नहीं भर पाए। यूट्यूब पे तो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि किसी भी न्यूज़पेपर वाले ने, किसी भी जो मीडिया वाले ने, अभी तक कोई भी इसके रिगार्डिंग न्यूज़ नहीं निकाली। बड़ा दुख होता है दोस्तों कि जहाँ प्रेस की स्वतंत्रता नाम का उनको संविधान में अधिकार दिया गया है, लेकिन फिर भी बोलने से डरते हैं, ठीक है। तो अब दोस्तों, जो भी है, जिनका फॉर्म भर गया है, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। कम से कम 1.5 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके फॉर्म रह गए थे भरना, और दुख यही है दोस्तों कि वो फॉर्म अब नहीं भर पाएंगे, ठीक है। बहुत मुश्किल है, विंडोज़ ओपन हो, इसलिए जिनके फॉर्म भर गए वो तैयारी कर रहे हैं, और जिनके नहीं भर पाए हैं वो आगे किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों बने रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, सॉरी फॉर दिस। और किसी ने सपोर्ट नहीं किया, किसी ने साथ नहीं दिया, कुछ लोग यदि साथ देते तो कुछ अच्छा हो सकता था, लेकिन साथ में जो पटवारी फर्जीवाड़ा का जो उजागर है ना, इस चक्कर में ये वाला जो मैटर दब गया, तो ये भी उठता। ऐसा होता है जब आपको फोड़ा हो जाए ना, या फोड़ा हो जाए तो फुंसी का दर्द कम हो जाता है। सेम टू सेम पटवारी में जब फर्जीवाड़ा उजागर हो रहा है, तो ये जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी उस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, फिर भी स्टूडेंट को लॉस तो हुआ। चलिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, आगे और देखेंगे। मस्त रहिए, सब्सक्राइब करिए, गुड डे, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।